कि अदालतों ने हर जुर्म की एक सजा होती है, करप्शन की वजह ही नवाज शरीफ थी। एक बयानिया उस्मान बुज़दार प्लस साहब ने बेचा इलेक्शन के दौरान के पाकिस्तान लूट के खा गया। उसके बाद आप थोड़ा से पसे पर्दा जरा जाए, अचानक 56 कंपनियों की करप्शन के किस्से बड़े आए, बड़े बड़े जलसों में उनका जिक्र किया गया, वो पसे पर्दा चले गया। मुझे नहीं समझ आती वो कहाँ है इस वक्त। साफ पानी के केस के जिक्र आए, वो पसे पर्दे चले गए। मुझे नहीं पता उसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ हुई है, कौन कौन अरेस्ट है। उसके बाद नंदीपुर का जिक्र हुआ, मुझे नहीं पता उसमें कौन कौन अरेस्ट है। उसके बाद मेट्रो का हुआ जिक्र, उन बयानियों में भी वजन नहीं रहा, कोई साबित नहीं हुआ। उसके बाद और ट्रेन हुआ, वो भी नहीं हुआ। और तो और आशियाना में बेल अगर आप वो पढ़े। और उसके बाद आज शहबाज साहब को लाहौर हाई कोर्ट से बेल के बाद ECL से नाम भी निकल गया। एक आप परसेप्शन करते हैं कि जी फलां आदमी करप्शन है, इसने मुल्क को तबाह किया, मैं आऊंगा तो मैं दूध की नहरें बहा दूंगा, करप्शन की जगह फरिश्ते आ जाएंगे, नमाजें पढ़ेंगे, रोजगार होगा, बाजार खुले होंगे। जब मैं किसी से पता नहीं साथ कहते थे कि जब बिजली गाय भैंस महंगी हो, समझो कि आपका कोई पता नहीं हाकम करप्ट है। मेरा हेलो उस नैरेटिव को थोड़ा सा परसेप्शन जो बनाई गई थी उसको नुकसान होगा। बट सब देखें दिखाएं, आज हमाद बिन जासिम का एक खत आया, इन्होंने इनके पास आर्गुमेंट्स नहीं है, ये मात मान ले, बीमारी तो है ही नहीं है, मैं आपको एग्री उसमें। हमाद बिन जासिम का खत आया और आज डॉक्टर लॉरेंस का खत आया। हमाद बिन जासिम का खत भी कोई उसकी बुनियाद नहीं थी, कोई अच्छा, नहीं थी। मुझे खावर घुमन ने भी एक खत दी है, ठीक है वो देख लेते हैं। हमाद बिन जासिम का खत वो गया रद्दी की टोकरी में, डॉक्टर लॉरेंस का खत वो भी गया रद्दी की टोकरी में। अब आगे क्या होगा, अब इन्होंने 6 हफ्तों में क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, पहले उस पर आते हैं। आपको पता है कतरी शहजादा जब GIT ने बुलाने की कोशिश की तो क्या कहते थे कि वो सिक्योरिटी की वजह से, वो कहता था कि मैं नहीं आता, आके कतर में आके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लें। अब 6 हफ्ते में डॉक्टर लॉरेंस जो है वो वीज़ा अप्लाई करेंगे, अगर वीज़ा अप्लाई कर दिया पहले दिन ही वीज़ा लग जाएगा, गवर्नमेंट ने दे देना वीज़ा। अब इन्होंने क्या करना है, मुझे तो लगता है ये कहेंगे कि डॉक्टर लॉरेंस जो है उनको फ़ोन करेंगे, कर दिया होगा फ़ोन कि भी अपने अगले 6 महीने आपने अपना शेड्यूल बहुत टाइट कर लो, आप अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान के लिए। मेरा ख्याल है साबर साहब ना उन्हें बीमारी की वजह से बेल मिली है, जो सॉरी ये ख्याल नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट मोहतरम अदालत साहब ने कह दिया, ये 6 हफ्ते उन्हें किसी मकसद के लिए उन्होंने लिया, उसमें कामयाब होते हैं या कामयाब होते नहीं इसका मुझे हरगिज इससे गर्ज नहीं है। कल क्या होगा गायब का इलम तो अल्लाह के पास है। मुझे याद है कि मैं मुशरफ साहब से एक दफ़ा मिला, यूनिफॉर्म में थे, तो कहते बेनज़ीर सिक्योरिटी रिस्क है, नवाज शरीफ का मेरी ज़िंदगी में नाम ही ना ले। तो ऐसा निज़ाम है अल्लाह ताला का कि आज बेनज़ीर आई दुनिया में शहीद हो गई, नवाज शरीफ जेल गए, आके बाहर आ गए, और शरफ अपने मुल्क में नहीं आ सकते। तो मेरा ख्याल है इस 6 हफ्ते में वो कोशिश करेंगे, अल्लाह करे कि उस्मान बुज़दार प्लस कुछ कर ले, वरना कुछ ना कुछ तो हो सकता है। अच्छा एक बात मैं भट्टी साहब आपको